आपका क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स हूज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड दूसरा दिया है 0.63 मीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर काम क्या होता है वो सेंटर में लिख देता हूं मैं, आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हमारा होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम वैल्यू डालते हैं ये वाली, तो हमारा आएगा 4 बाई 3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू सेवन, सेवन कट गया हमारा, बाकी क्या बच गया आपका 4 इंटू 22 इज 88, 88 इंटू 49/3। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आता है, 49 इंटू 88, 8 9 जा 72, 7 कैरी 8 4 जा 32 प्लस 7 इज 39, 3 9 2 2 1 1 कैरी 10 13 1 कैरी 4, 4 3 1 2, दैट इज इक्वल टू हमारा आया 4 3 1 2 बाई 3। इसको डिवाइड करो आप तो देखते हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 4 यानी 1, 1 बच गया 1 3 13 13 यानी 4, फिर आपका क्या बचा 1 1 1 11 11, यानी कि आपका क्या आ गया 11 यानी आपका 3 22 22 यानी कि आपका 7 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है 0.63 मीटर्स, तो उसको सॉल्व करना है तो सेम फॉर्मूला हम डालते हैं तो हमारा क्या आएगा 4/3 इंटू 22/7। ठीक है, 0.63 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 63 बाई 100 मीटर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेम चीज हम लिखते हैं इंटू 63 बाई 100 इंटू 63 बाई 100 इंटू 63 बाई 100। ठीक है, अब 7 से कट होगा 7 एंड 9, फिर 3 से कट हो रहा है 3 का, तो आपका कितना आ गया 88 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3 बाई 1, कितने जीरो से 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो अब हम करते हैं 63 इंटू 63 63 3 3 जा 9 3 6 जा 18 6 3 जा 18 1 कैरी 6 6 जा 36 1 37, तो हमारा क्या आ गया 9, नेक्स्ट 8 8 16 1 कैरी 7 8 9 9 एंड 3, 3 9 6 9 3 9 6 9, और अब करेंगे हम इंटू 3 इंटू 3, तो हमारा क्या आ गया 3 9 जा 27 2 कैरी 3 6 जा 18 19 20 2 कैरी 3 9 जा 27 28 29 2 कैरी 3 3 जा 9 10 11 1 1 9 0 7, अब इंटू 88
8 and 8, 88. 9 7 56. Sorry, 8 7 56. 8 9 72. 7 carry. 8 1 8 plus 7 is 15. 1 carry. 8 1 8 and 1 is 9. Next, 8 7 56. 8 9 72. 7 carry. 8 1 8 plus 7 is 15. 1 carry. 8 1 8 and 9. Same. By aapka aaya 6, 1. 1 carry. 8, 7, then 14, 1 carry. 10. 1 0 4 7 8 1 6. So, hum yahan par likhte hain 1 0 4 7 8 1 6 by kitne zero? 6 zeros. अब नीचे 6 जीरोस है तो डॉट भी कहां पर आएगा हमारा 6 के बाद. तो 1 2 3 4 5 6. तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 1.047816 मीटर क्यूब इज योर वैल्यू. यहां पर अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं 1.04 के बाद बड़ा डिजिट है यानी 5 मीटर क्यूब इज योर अप्रोक्सीमेट. ठीक है, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं.